एक सत्य घटना सुनाते हैं। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, बनारस में। वो कुछ नहीं करते थे, केवल भागवत जी के श्लोकों का पाठ करते थे। बचपन में संस्कृत विद्यालय आदि गए तो उनकी संस्कृत में बड़ी निष्ठा, और जब जब उन्होंने भागवत जी को पहली बार पढ़ा तो वो आनंदित हो गए। सच में भागवत की संस्कृत सबसे विलक्षण है। बाकी अन्य ग्रंथों की संस्कृत आप पढ़ सकोगे, लेकिन भागवत की संस्कृत थोड़ी सी कठिन है, विलक्षण है। तो श्रीमद् भागवत को जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो इतने आनंदित हो गए, बोले कि अब तो यही जीवन है। पूरे दिन उसी को पढ़ते रहते थे। घर वालों ने दो चार जगह उनको नौकरी के लिए भेजा, लेकिन वो नौकरी छोड़ छाड़ के आ जाते, केवल भागवत पढ़ने में ही उनकी रुचि थी। पड़ोसियों ने कहा कि भैया इसकी बुद्धि ठिकाने लगानी है तो इसका ब्याह कर दो। ब्याह हो गया। अब ब्याह के बाद में गृहस्थी बढ़ने लगी तो चिंता होने लगी क्या करें। तो एक आध जगह घर जाके काम करते, लेकिन उनसे होता नहीं। एक दिन अपनी पत्नी से बोले, तुम ही कहीं कोई काम कर लो घर चलाने के लिए, मैं तो भागवत जी के बिना रह नहीं सकता, मुझे पूरे दिन भागवत का अध्ययन चाहिए। पत्नी ने कहा ठीक है, आप भागवत अध्ययन करो, हम घर घर जाके काम करेंगे। पूरे दिन भागवत जी का अध्ययन करते थे। एक दिन उन ब्राह्मण के घर पर दोपहर सब लोग भोजन करके निवृत्त हो गए, उसके बाद कुछ संतों की टोली पहुंची। पहले संत ऐसे कहीं भी चले जाते थे और कहीं भी जाकर वैष्णव के यहां जाके कहते लाओ प्रसाद पवाओ, तो सब पवाते भी थे। आजकल ऐसा नहीं है। संत पहुंच गए, लाओ प्रसाद पवाओ बिटिया। अब घर में कोई ऐसी सामग्री थी नहीं, वो कभी रसोई में जावे, कभी कमरे में जावे, कभी कुछ खोजे, क्या खिलाऊं क्या पवाऊं, कुछ नहीं है घर में। तो संत बहुत देर तो बैठे रहे, फिर बोले कि देवी हम शायद गलत समय पे आ गए, हम फिर कभी आएंगे, कोई बात नहीं, अपना ही घर है। संत वहां से चले गए। बाहर बैठी बैठी वो मन में विचार करती है कि यदि आज मेरे पति कोई नौकरी कर रहे होते, कहीं से धन कमा रहे होते, तो हमारे घर में खूब सामग्री होती, और खूब सामग्री होती, रोज मेरे घर संत आते, प्रसाद पाके जाते। मेरी माँ तो हमेशा कहा करती थी, बिन बुलाए संत घर आ जाए तो समझो साक्षात हरि आए हैं। लेकिन ऐसे हरि को भी हम प्रसाद ना पवा सके, भूखा जाना पड़ा हमारे यहां से। कौन है बाधक हमारे परिवार में? बोले भागवत। यदि ये मेरे पति के जीवन में नहीं आती तो आज मेरे पति बढ़िया कोई नौकरी कर रहे होते और हम लोग बढ़िया कमा खा रहे होते। अपने पति के पास गई तो वो बैठ करके भागवत जी की ग्रंथ लेकर के पढ़ रहे थे। तुरंत उनके हाथ से भागवत जी का ग्रंथ लिया और बीच से पन्नों को फाड़ करके अपने पति के सिर पर मार दिया। बोले 24 घंटा यही पढ़ते रहते हो, क्या दिया भागवत ने हमको, आज हमारे घर से संतों को भूखा जाना पड़ा। अरे कहीं दो चार जगह काम करते तो कुछ धन कमाते, हमारे घर में सामग्री होती, संतों को भूखा तो नहीं जाना पड़ता। निकल जाओ घर से बाहर, और जब तक इस भागवत के प्रति तुम्हारी ममता है इस घर में लौट के मत आना। बेचारे भागवत के पन्नों को इकट्ठा करते हुए, रुदन करते हुए वो ब्राह्मण गंगा के किनारे चले गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जघांशयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिन्धा त्रुचितां ततोन्यम् कम्बा शरण ब्रजे। हे प्रभु, आप तो दयालु हो, स्तनों में विष लगा करके आई थी पूतना, आपने उसको भी सदगति प्रदान की। मेरी पत्नी अभागा है, उसको पता नहीं है आपका स्वरूप। अरे ये भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक काला है यानी कि वही कृष्ण है, और भागवत का प्रत्येक पन्ना सफेद है यानी कि किशोरी जी राधा रानी है।
हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे, लाला यदि कोई भागवत के श्लोकों का अशुद्ध वाचन करता है तो जिस प्रकार मानव के रोए खींचने पर उसको जो पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा भगवान को होती है। ये भगवान का ही स्वरूप है। आप मेरी पत्नी पर कृपा कर देना, आप उसको दंडित मत करना। ब्राह्मण देवता रुदन करने लगे, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बिल्कुल सत्य घटना। ठाकुर जी तुरंत धराधाम में एक छोटे से ग्वाला बनकर के आ गए। ऊंची धोती पहनी, पैरों में चांदी के कड़ूला पहने, हाथों में स्वर्ण के कड़ूला पहने, सिर पर स्वाफा बांधा, दो माला गले में लटका ली और बिल्कुल ग्वारिया बनकर के, ग्वारिया भेष धारण करके, एक डलिया को अपने सिर पर रख करके और सीधे उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। गेट खटखटाने लगे। इतने में ही ब्राह्मणी बाहर आई, बोली, कौन हो भाई, कहां से आए हो, क्या काम? भगवान इशारा करने लगे, हम गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। गूंगे हो तो फिर कैसे बताओगे? बोले, लिखने के लिए दो, हम बताएं कौन। भगवान उसमें बढ़िया लिख करके गए, तुम्हारे पतिदेव हमारे यहां नौकरी करते हैं लेकिन अपनी वेतन, अपनी तनख्वाह कभी हमसे लेते नहीं है। आज हमको पता चला उनको बहुत जरूरत है, तो उनके जीवन में जितनी उन्होंने हमारे यहाँ नौकरी की वो सारी तनख्वाह इस डलिया में दे करके जा रहे हैं। और वो पर्चा दे करके भगवान वहां से चले गए। जैसे ही उस ब्राह्मणी ने वो डलिया के ऊपर से कपड़ा हटाया तो ना जाने कैसे कैसे अनमोल हीरे जवाहरात सोना चांदी से लबालब भरी हुई। अब वो सोची, बताओ, और देखा तो वो तो चला गया इतने में बालक। बोले, मुझसे झूठ बोलते थे मैं कहीं काम नहीं करता। जरूर मैं जब कहीं और काम करने जाती थी पीछे से कहीं कहीं अपने काम करे आते थे। आज बताओ कितना धन कमा लिया मैंने भी बेमतलब में, उनको खूब सुना दी, उनकी भागवत जी फाड़ दी। अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, बच्चों को भेजा, जाओ बच्चों, पिताजी को बोलाओ, घर आके शाम को भोजन कर लेंगे। शाम को महाराज जैसे ही वो घर लौट के आए, घर अलग ही चमक रहा है। तो एक बार तो वो चौंक गए, बोले, हमारा घर नहीं है, हम शायद दूसरी गली में आ गए। घूम फिर के बोले, घर तो यही है लेकिन ये आज ऐसा चमक कैसे रहा है? बाहर बढ़िया दिए जल रहे हैं, बढ़िया दीपावली जैसा घर चमक रहा है। घर के भीतर पहुंचे तो पत्नी नई साड़ी पहन के, बच्चे नए नए कुर्ता पजामा पहन के बढ़िया घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। देवी क्या हुआ आज, कैसे ऐसे दिन हमारे बदल गए, ऐसे सब प्रकाश में, सब नए नए कपड़े पहन के, क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? तुमने सुबह पूजा की उसी का फल है क्या ये? ऐसी पूजा का फल ये तो रोज पूजा करवा लिया करेंगे हम अपनी। कितने बन रहे हो हमारे सामने, ऐसे कर रहे हो जैसे तुमको तो कुछ पता ही नहीं। बोले, मुझे कुछ नहीं पता, सही बताओ क्या हुआ ये। हाथ पकड़ के ले गई कक्ष में, अलमारी खोल कर दिखाया तो सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। बोले, देवी कहां से लाई इतना? बोले, तुम्हारा गूंगा मालिक आया था। बोले, गूंगा मालिक? बोले, हाँ गूंगा मालिक आया था और पर्चे में लिख करके दे गया उसके यहां नौकरी करते हो, सारा धन दे करके गया है वो। बोले, लाओ पर्चा दिखाओ। पर्चा जैसे ही देखा उसमें लिखा था, तुम्हारे पति हमारे यहाँ काम करते हैं, कभी अपना वेतन नहीं लेते, आज उनका वेतन देने आए हैं। ये पूरा जैसे ही उन्होंने पढ़ा, ब्राह्मण के हाथ कांपने लगे, एक एक करके अक्षर इकट्ठे होते गए और भगवान की सांवरी सूरत उस पन्ने पर प्रकट हो गई। उसको देख करके आनंदित हो गए ब्राह्मण और अपनी पत्नी को कहा, देवी जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान, मैंने आज तक श्रीमद् भागवत का पाठ उनकी प्रसन्नता के लिए किया, कभी कुछ नहीं मांगा। जब हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो हमको वेतन मिलता है, जब हम भगवतीय कार्य उनके लिए करेंगे, पुण्य सब उनको प्रदान करेंगे तो क्या वो हमको नहीं देंगे? आज मेरे जीवन भर की भागवत पाठ का पुण्य ठाकुर जी तुमको दे करके गए।
इसीलिए भगवान कौन है, भगवान एक बैंक के जैसे हैं। अपने जीवन में जो भी सत्कार्य पुण्य करते हैं सब भगवान को अर्पित किया करो। कैसे करोगे, कोई पुण्य का काम किया तुरंत जल हाथ में लो और फिर जल लेकर के काय वाचा मनस इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुष्टस्वभावा करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। संस्कृत में नहीं बोल सको, हिंदी में बोलो, काया से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से मैंने जो कुछ भी पुण्य किया है उसका फल मैं भगवान को अर्पित करता हूँ। केवल इतना करने मात्र से आपका भागवत धर्म सिद्ध हो जाएगा। हर पुण्य के बाद भगवान से मांगना ये दे दो वो दो, तो फिर आपका वो भागवत धर्म नहीं। आप पुण्यात्मा हो लेकिन भक्त नहीं हो। भक्त अपने पास पुण्य को कभी नहीं रखता। मैं बड़े प्रेम से गाता हूँ, ठाकुर जी के हाथ में अपने सब कुछ दे दो, सारे पुण्य दे दो, फिर उनसे कहो जैसे तुम चाहोगे वहां इसको लगवाओ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भाव से कहा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ
बात बताएं आप, जितने लोग नृत्य कर रहे हैं ना, ये वास्तव में भक्त हैं भगवान के। चार दिन में ऐसी भक्ति जगी है, जो लोग बैठे हैं वो अभी भी कसर है उनके भीतर। प्रेम से गाओ, भाव से।